जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तजा गार्डन चैनल पे। आज मैं दोस्तों को सिखाऊंगा कि सर्दी के अंदर काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि हमारे पास इस तरीके की खाद होनी चाहिए जो हमारे पौधे जो हैं वो हरे भरे और खूबसूरत रहें, पत्ते उनके लाइट हों। तो दरअसल में आप अगर ये गार्डियन का अगर काम ये करना चाहते हैं तो फिर जो आपको इस पर ध्यान तो देना पड़ेगा। अगर आप ये अगर ध्यान नहीं देंगे इस पर तो फिर ये अगर इस पर आप ध्यान नहीं देते तो समझ लेना कि ये काम फिर जो है ना आपके लिए अधूरा है और आपको गार्डियन करने की ठीक तरीके से समझ भी जो है ना नहीं आएगी। तो अक्सर जो है शहजाद साहब ये पूछते रहते हैं कि आप खादे वगैरह जो बनाते हैं मुर्तजा साहब, उनका आप लोगों को रिजल्ट भी, मैंने हाँ शहजाद साहब इस तरीके ही है, जब चीज़ तैयार करता हूँ सबसे पहले मैंने ये नहीं है कि ज़रूरी मैंने करके आप लोगों को दिखा देनी है, सबसे पहले मैंने ये काम खुद पहले के ही किए हुए हैं, लेकिन ये पब्लिक और प्रोग्राम के अंदर इसलिए आस्ता आस्ता शेयर करता हूँ ताकि लोगों को समझ भी आती जाए। आज जो मैं खाद तैयार करने वाला हूँ, इस खाद का तैयार करने का मकसद ये है कि ये कुछ दिनों के अंदर ये तैयार हो जाती है और मैं ज़्यादातर ये खाद जो अभी आज तैयार करने वाला हूँ ये सेल नहीं करता, ये मैं थोड़ी सी बना के अपने लिए रख लेता हूँ। जिन लोगों के घरों पे मैंने विजिट पे जाना होता है, लिक्विड के साथ साथ फिर मैंने इस खाद का भी जो है ना वो इस्तेमाल थोड़ा सा ना इसके साथ करना होता है। तो अभी मैं आपको शेयर कर देता हूँ चीज़ें इसके अंदर मैंने क्या क्या रखी हैं। अगर आप घर में बनानी चाहते हैं इसी तरीके की खाद, अगर आप बनानी चाहते हैं घर के अंदर वो भी थोड़ी सी जगह में आप तैयार इसको कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले आपको चीज़ चेक करवा दूँ कि आपने कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है इस खाद के अंदर। ये समझ लें कि ये सर्दी के अंदर पौधों के लिए ये तोहफा है, ये वाली जो चीज़ है सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये वो ही खाद जो इसके अंदर वो पत्थर वगैरह सारे मिक्स करके और गोबर खाद सारी मिक्स करके इसके ऊपर मैंने वाटरिंग जो है वो खड्डे के अंदर छोड़ी और इसकी इस तरीके की डलियों से ये बन गई हैं। अभी ये मैं जो है काली ये 4-5 साल पुरानी खाद है ये इसके अंदर इस्तेमाल करूँगा। इसके अलावा ये पत्थर चट के जो पत्ते हैं इस खाद के अंदर, ख़ास करके आपने ये याद रखना है इसके अंदर पत्ते जितने भी इस्तेमाल होने हैं फुल ग्रीन होंगे और फुल जो है सेहतमंद होंगे। इसके अलावा ये पत्थर चाट के ये पत्ते हैं और इसके अलावा ये जवैन के, ये बिल्कुल मैंने अपने फ्रेश जो पौधे हैं उनकी कटिंग करके इस खाद के ऊपर, ये खर्चा तो ये आता है अगर आप रिजल्ट अच्छा लेना चाहेंगे तो इस पे खर्चा करना पड़ता है। ये पत्ते जो हैं इसके अलावा पत्थर चाट के ये जो है ये मैंने पूरे पौधे मैंने चेक करवा सकता हूँ, मैंने पूरे पौधे ये काट के आपके लिए ये खाद के अंदर मैंने इस्तेमाल करने हैं। 1, 2, 3 चीज़ें ये हो गई और ये खाद, और ये चीज़ जो है ये चूना है, ये भी मैं आपके सामने जो है ना वो एंड पे डालूँगा। मेरी तरफ से प्रोग्राम जितना ये छोटा रहे ये लंबा रहे मैं अपनी बात को पूरा कंप्लीट करूँगा। कुछ लोगों की डिमांड होती है जी ये बात रह गई है, मैंने आज के बाद यही सोचा है कि जो भी प्रोग्राम करूँगा कंप्लीट करूँगा वो 10 मिनट का हो जाए, 15 मिनट का हो जाए, ताकि मेरे व्यूवर को ख़ास तौर पर साफ समझ आनी चाहिए। ये चूना है, ये चौथी चीज़ है। इसके साथ जो लकड़ी की राख है ये चेक कर सकते हैं, ये मैंने संभाल के रखी हुई है, ये भी मैं लिक्विड के अंदर भी इस्तेमाल करता हूँ और खाद के अंदर भी इस्तेमाल करता हूँ। इसके साथ साथ जो ये बालू मिट्टी है मेरे पास, ये मैं थोड़ी सी इसके अंदर इस्तेमाल करूँगा, छाना दूँगा। इनके अलावा ये देख सकते हैं ये पोनो पार्किंग के पौधों के, ये मैंने फुल जो इस तरीके की कच्ची ब्रांची होती हैं, आप पक्की टहनी वाले पत्ते नहीं आपने लेने, ख़ास तौर पे इस खाद के अंदर जो फ्रेश सेहतमंद हो वो आपने इस्तेमाल करने, इस तरीके की ब्रांचें इनकी बिल्कुल पूरी सी और फ्रेश होनी चाहिए। इस खाद को अगर आपने तैयार करना है सर्दी के अंदर फ्रूट वाले फलों वाले पौधों को आप डालेंगे तो उनका रिजल्ट बेहतरीन आएगा। इसके अलावा जो है ये चीज़ है, अभी मैं ये इसको ये पूरी आपने टहनियों समेत इसको काटना है, तो ये भी हो गया। इसके साथ जो है
अब ये मैं आपके सामने इनको इनकी कटिंग करूंगा। कटिंग करने के बाद जो है ये जिस तरीके ये चीज़ें डालनी है उस तरीके से आपको बताऊंगा। ये आपने कंप्लीट प्रोग्राम देखना है। इसके साथ साथ मैंने इन चीज़ों के जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं इनकी वजूहात भी मैंने बतानी है कि इनके अंदर क्वालिटी क्या होगी और ये क्या क्या फ़ायदा करेंगे फूल वाले पौधे जो हैं उनको ये फ़ायदा क्या करेंगे। इसके साथ जो फलों वाले हैं या फ्रूट वाले पौधे हैं उनको ये फ़ायदा क्या देती है ख़ास तौर पर ये खाद। ये अक्सर लोग जो फार्मी लोग हैं वो इतनी ज़्यादा तादाद में तैयार नहीं करते। खुली फिजा के अंदर जब बाग वगैरह होते हैं उनको अगर मौका मिल जाए तो काफ़ी लोग उसे फ़ायदा भी लेते हैं जिनको इन चीज़ों का पता है। उन्होंने एक दो अपने मुलाजमों की ड्यूटी लगाई होती है जो इस तरीके का वेस्ट बना के हर चीज़ जो है एक साइड पर तैयार करते हैं। हर साल के अंदर जो सर्दी जो शुरू होने से पहले जो है ना उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं वो ये चीज़ बनाते हैं, कुछ लोग नहीं बनाते। तो चलें चलते हैं जी। अब मैं इनको जो काट के आपको ज़रा चेक करवाता हूँ। सबसे पहले मैं इनकी कटिंग करूँगा उसके बाद आपको इसके सारा रिजल्ट चेक करवाऊँगा। ये देखें ये ज़रूरी नहीं है आपने बस इसको थोड़ा सा ब्रीक करना है। ब्रीक करके आपने इस तरीके से इनको अच्छी तरह से ये डाल दिया है ठीक है। अब आपने इसको किस तरीके से ये देखने अच्छी तरह से ये इस तरीके से आगे चेक करवाएंगे। आपने इनको इस तरीके से रखना है ये जितना भी है ये आस्ता आस्ता इसको यहाँ रख दे। ये देख लें ये था सारा थोड़ा सा ना आपने इनको इस तरीके से आपने कर देना ये ना। अब इसके बाद आपने ये बालू मिट्टी जो है इसको आपने ऊपर से निकाल करना। ठीक है जी ये हो गया। अब आपने तरीका ये करना है ये देख लें। जब ये चीज़ें मैंने डाल दी हैं आपके सामने तीन जो वैरायटियां मैंने पत्थरों की रखी थी वो डाली हैं। उसके अलावा जो है मैंने ये आपको ये डीले दिखाए खाद वाले ये और अब नंबर इसका आता है जी चूने का। ये आपने इनके ऊपर हल्का हल्का सा ये फैला देना इस तरीके करके। आप जब इसको इतना सा आपने फेंक देना इसके बाद जी नंबर आ जाता है जी इसका लकड़ी की राख का। ये अभी मैंने थोड़ी सी आपको प्रोग्राम करके मैंने चेक करवाया। मैंने ये ज़्यादा तैयार करनी है वैसे बड़े खड्डा खोद के उसके अंदर तैयार करूँगा। ये देख लें जी। अब आपको बता दूँ कि आपने इसको पानी का शावर दो दिन छोड़ के तीसरे दिन आपने पानी का शावर करके और इस तरीके का आपके पास ढक्कन लाजमन होना चाहिए जिससे आप इसको बिल्कुल फिक्स बंद कर देंगे और ये बंद रहना चाहिए। जब पानी का शावर आप कर देंगे उसके बाद आपने इसको बंद कर देना है ठीक है। ये खाद जो है जितने इसके अंदर पत्ते हैं पत्तों के अलावा जो ये मैंने आपको दिखाया जो खाद बनी हुई मिक्स वाली ये वाली अभी जितना भी है इनका एक सोर्स बन के नीचे इस पत्रों के अंदर बिल्कुल बेहतरीन किस्म का जितनी भी चीज़ें डालेगी इन सब की पावर एक जगह पर जमा हो जाएगी। जब आप इसको किसी पौधे के अंदर डालते हैं या शुरू से अगर आप वो पौधा लगाते हैं तो इस पौधे की क्वालिटी ये होती है वो फूल वाला हो या फल वाला पौधा है फ्रूट वाला है बिल्कुल इसका इस तरीके ये मैंने मटेरियल बना दिया है। जब आप किसी पौधा लगाते हैं तो जब आप ऊपर उसके कदम रखते हैं तो ज़मीन नीचे जैसे बैठती है जैसे फोम होता है ये बिल्कुल इस तरीके की नॉर्मल और फोली होती है। जब आप इसको पौधा जब इसके अंदर पौधे की जड़ जब चलना शुरू होती है तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इनकी ताकत उसकी जड़ को चलने के लिए रास्ता देती है और पौधा जो है वो बिल्कुल अपने अरूज के अंदर जाकर ऊपर से वो फैलना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ अपने पूरे जितना भी है उसके ऊपर फल अगर लगता है तो फल के ऊपर भी एक अरूज होता है। अगर उसके फल का पौधे के ऊपर अगर वेट ज़्यादा बन जाए तो इसमें ये हो सकता है कि वो पौधा इसकी ताकत की वजह से इधर उधर झुक भी सकता है। लेकिन आपको जब महसूस हो जाए कि पौधा इधर उधर झुकता है इसके ऊपर फल का वेट ज़्यादा है तो फिर आपको इस्तेमाल इसका चारों तरफ से आप खड्डा खोदें। खड्डा खोदने के बाद उसके अंदर आप पक्की मिट्टी इस्तेमाल करें। पौधा जो है वो बिल्कुल अपनी पक्की मिट्टी जो है उसको ऊपर से पकड़ के रखेगी और नीचे खाद इसी की ताकत चलती रहेगी।
जब आपको फिर जरूरत पड़ती है 2-4 महीने में अगर आपने डालनी होगी तो फिर आप खुदाई करके उसी तरीके से इतनी सी ये खाद ले लें और उसको आप डाल दें तो बेहतरीन इंशाल्लाह जट रहेगा। तो शुजा साहब और उसामा सही साहब, आप जितने मेरे व्यूवर हैं सबकी मैं इज्जत कदर करता हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, ख़ास तौर पे ये जिस तरीके मैं काम करता हूँ और जितने मेरे चाहने वाले हैं, भी याद करने वाले हैं, उनके लिए मेरे दिल में इतनी जगह है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि वो कौन लोग हैं, लेकिन उन्होंने उनकी मुझे काफ़ी सपोर्ट है। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। आज का हमारा इतना ही प्रोग्राम था, मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।